कोरोना वायरस का कहर सारी इंसानी बिरादरी पर इस समय सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में कोरोना के कहर पर एक बुंदेली लोकगीत सामने आया है, जिसमें इस पर व्यंग भी है और चिकित्सकों से अनुरोध भी है कि इसकी कोई दवा ढूंढ दो। कोरोना वायरस ने दुनिया भर को हिला कर रख दिया है। चीन के वुहान से इसकी शुरुआत हुई और ये बीमारी चीन की सरहद लांघ कर दुनिया के तमाम मुल्कों तक पहुँच गई। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में भी जब कोरोना की चर्चा शुरू हुई तो यहाँ के लोक कलाकारों ने भी इस पर चर्चा शुरू कर दी। बस फिर क्या था, कोरोना वायरस बुंदेलखंडी लोक गीतों तक पहुँच गया। आजकल ये दुनिया में एक रोग फैलो बीमारी और उको डॉक्टर ने नाव धरो कल्ले कोरोना वायरस। कोरोना वायरस चीन में बीमारी फैली, 3,000 आदमी मरे, ज्यादा नहीं मरे वे। और मरे इसलिए है कहा कि वे आगलू का खात। हाँ, डॉक्टर कह रहे कल चमगादड़ को का को तो सूप वो खाए से मर रहे। अब जब चमगादड़ खाओ तो तुम तो मरो यार। और बा बीमारी अपने भारत में भी फैल रही, कछु जो विदेश से घूम घाम के आए से वे तो चपका ले आए। तो हमने एक लोकगीत लिखो कोरोना वायरस, सुनो आप क्या वो है। कोरोना कोरोना रो रही सारी दुनिया रे, ओ ढूंढो जल्द दवाई डॉक्टर ओझा दुनिया रे। ढूंढो जल्द दवाई डॉक्टर ओझा दुनिया रे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। हाँ।